नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM, मैं हूं आपके साथ सिमरन। हाल ही में कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल में महिला डॉक्टर से बलात्कार और हत्या का मामला सामने आया, जिसने लोगों को झकझोर के रख दिया। वहीं यह मामला जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा था कि महाराष्ट्र के बदलापुर के एक स्कूल में 2 नाबालिग बच्चियों के साथ यौन शोषण और अकोला में स्कूली छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की घटना सामने आई है। इसके बाद आम जनता ने सड़कों पर उतर करके विरोध प्रदर्शन किया और लोगों ने दोषियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया और उनके लिए फांसी की मांग की। लेकिन इन सभी घटनाओं पर मोदी सरकार ने कुछ भी बोला नहीं है। मानो रेप करने वालों को बीजेपी से संरक्षण मिला हुआ है। बता दें कि देश में जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है, तब से महिलाओं के उत्पीड़न के मामले सबसे अधिक बढ़े हैं। बीजेपी के सांसद और विधायक भी कई मामलों में संलिप्त पाए गए हैं। बावजूद इसके मोदी सरकार ने इन सभी नेताओं पर कोई कार्रवाई नहीं की। आपको बता दें कि यौन शोषण के मामले को लेकर महिला पहलवानों ने जंतर मंतर विरोध प्रदर्शन किया था, लेकिन महिला पहलवानों को आज तक न्याय नहीं मिला। महिला सुरक्षा की बात करने वाले मोदी के जब मंत्री और विधायक सांसद महिलाओं के साथ अत्याचार में संलिप्त हैं, तो महिलाओं को न्याय कहां से मिलेगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, लेकिन मोदी राज में बेटियां सुरक्षित कहां हैं। लोगों के अंदर कानून का भय खत्म ही हो गया है। आपको बता दें कि 2014 से जब से मोदी सत्ता में आए हैं, तब से अब तक यौन अपराधों के मामलों में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। आपको बता दें कि पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी सरकार ने जोर शोर से ये घोषणा की थी कि वो नारी शक्ति का समर्थन करती है, लेकिन महिलाओं के खिलाफ होने वाले अत्याचारों पर लगातार आंखें मूंद ली है। अब ओलंपिक पदक विजेता महिला पहलवान साक्षी मलिक और विनेश फोगाट ने भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख और 6 बार भाजपा सांसद रहे बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया, तो सत्ता प्रतिष्ठान ने महिला पहलवानों को न्याय से वंचित करने के लिए हर संभव प्रयास किया। आज तक मोदी ने इस मुद्दे पर चुप्पी साधे रखी है, जबकि महिला पहलवान सिंह को न्याय दिलाने के लिए व्यक्तिगत रूप से बड़ी कीमत चुकाकर लड़ाई जारी रखे हुए हैं। ये तथ्य है कि सिंह एक राजनीतिक दिग्गज है, एक ताकतवर व्यक्ति जो अपने गृह क्षेत्र उत्तर प्रदेश में चुनाव परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं। सत्तारूढ़ पार्टी के लिए महिला खिलाड़ियों की दुर्दशा से कहीं अधिक मायने रखता है। बता दें कि राज्य की तानाशाही ताकत का सबसे बेशर्म प्रदर्शन हाल ही में बिल्किस बानो मामले में देखने को मिला। जब 2002 में भाजपा शासित गुजरात में मुस्लिम विरोधी दंगों के दौरान 11 लोगों ने गर्भवती मुस्लिम महिला बिल्किस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार किया था, एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 11 बलात्कारियों को दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। और अगस्त 2022 में एक चौंकाने वाले कदम आया कि गुजरात सरकार ने बलात्कारियों को अच्छे व्यवहार के आधार पर रिहा कर दिया। वहीं रिहाई के आदेश को मोदी सरकार के गृह मंत्रालय ने आधिकारिक रूप से मंजूरी दी थी। रिहा किए गए बलात्कारियों को माला पहनाई गई। ये मोदी की महिला सुरक्षा के दावों पर जो है वो तमाचा है। इसी माहौल के बीच ADR की एक रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा 151 विधायकों और सांसदों के खिलाफ महिला उत्पीड़न के मामले दर्ज हैं। बता दें कि 300 पन्नों की इस रिपोर्ट में कितने सांसदों विधायकों पर महिलाओं के खिलाफ अपराध बलात्कार के आरोप लगे हैं, इसकी जानकारी है। साथ ही ये भी जानकारी दी गई है कि कितने विधायक और सांसद किस पार्टी से हैं। आपको बता दें कि इस रिपोर्ट के लिए ADR और नेशनल इलेक्शन वॉच ने संयुक्त रूप से देश के कुल 4,809 मौजूदा सांसदों विधायकों में से 4,693 के चुनाव आयोग को सौंपे गए हलफनामे का अध्ययन किया है। इन हलफनामों से विधायकों और सांसदों ने अपने खिलाफ दर्ज किए गए अपराधों की जानकारी दी है। इससे 776 मौजूदा सांसदों में से 755 और 4,033 विधायकों में से 3,938 के हलफनामे शामिल हैं। बता दें कि ADR और इलेक्शन वॉच ने यह जानकारी 2019 से 2024 के बीच हुए उपचुनावों समेत सभी चुनावों के दौरान दर्ज किए गए हलफनामों से जुटाई है। आपको बता दें कि इस रिपोर्ट में विस्तार से जानकारी दी गई है कि किन सांसदों और विधायकों पर महिला उत्पीड़न के अपराध दर्ज किए गए हैं। इनमें महिला पर एसिड अटैक, बलात्कार, यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़, किसी महिला को निवस्त्र करने के उद्देश्य से उस पर हमला करना, किसी महिला का पीछा करना, वैश्यवृत्ति के लिए नाबालिग लड़कियों को खरीदना और बेचना, पति या ससुराल के रिश्तेदारों के हाथों महिला का उत्पीड़न, इरादतन किसी शादीशुदा महिला को जबरन रोकना या अगवा करवाना, महिला की सहमति के बिना जबरन उसके साथ रहना, पहली पत्नी के रहते हुए अन्य महिलाओं से शादी करना और दहेज हत्या शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक 755 सांसदों और 3,938 विधायकों में से 151 विधायकों और सांसदों ने अपने हलफनामे में महिला उत्पीड़न से जुड़े दर्ज अपराधों की जानकारी दी है। इसमें 16 मौजूदा सांसद और 135 मौजूदा विधायक शामिल हैं। वहीं नेताओं के द्वारा हलफनामे में जिन अपराधों की बात की गई है, उनमें बलात्कार, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, छेड़छाड़, वैश्यवृत्ति के लिए नाबालिग लड़कियों की खरीदना बेचना, घरेलू हिंसा जैसे अपराध शामिल हैं। आपको बता दें कि कुल
51 जनप्रतिनिधि जिन पर महिला हिंसा से जुड़े अपराध के मामले चल रहे हैं, इनमें से किस पार्टी के कितने प्रतिनिधि हैं, इसकी भी जानकारी एडीआर और इलेक्शन वॉच की रिपोर्ट में दी गई है। इसमें 135 विधायक हैं जबकि 16 सांसद हैं जिनके खिलाफ महिला अपराध के मामले चल रहे हैं। कुल मिलाकर के देखा जाए तो इसमें सबसे ज्यादा 54 बीजेपी के जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन मोदी को इन सभी रिपोर्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे में सवाल बनता है कि जब मंचों से महिला सुरक्षा की बात करने वाले मोदी के परिवार वालों से ही जब महिलाएं सुरक्षित नहीं है, तो बाहरी लोगों से महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी भाजपा ईमानदारी से कैसे निभा सकती है। इस बीच महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी प्रमुख अजित पवार ने कहा है कि लड़कियों के खिलाफ अपराध करने वालों को नपुंसक बना देना चाहिए। एनसीपी प्रमुख अजित पवार ने कहा कि जो लोग हमारी लड़कियों पर हाथ डालते हैं उन्हें कानून से ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि वो दूसरे बार अपराध करने के लिए ना सोचे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने आगे कहा कि मेरी भाषा में कहें तो मैं कहूंगा कि उन्हें नपुंसक कर दिया जाना चाहिए ताकि अपराध को दोहराया ही ना जा सके। इतने बेकार लोगों के साथ ऐसा ही किया जाना चाहिए। वहीं शिवसेना यूपीटी के मुखपत्र सामना में अपने आर्टिकल में संजय राउत ने बदलापुर की घटना को लेकर महायुति सरकार को घेरा। राउत ने कहा कि महाभारत में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब दरबार में हर 56 इंच की छाती वाले गर्दन झुकाए बैठे थे। आज भारत की बहु बेटियों महिलाओं के साथ भी यही हो रहा है। बदलापुर में नाबालिग बच्चियों से दुष्कर्म का मामला विचलित करने वाला है। इस मामले में बीजेपी के महिला मंडल भी शामिल हैं। गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस सफाई दे रहे हैं, क्यों और किसके लिए? राउत ने आगे कहा कि कोलकाता के एक सरकारी मेडिकल कॉलेज में एक महिला डॉक्टर के साथ रेप किया गया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। उसका असर पूरे देश में हुआ। इस घटना को निमित्त बनाकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को घेरने की कोशिश स्पष्ट नजर आ रही है। पीड़ितों के लिए ना सिर्फ बंगाल में बल्कि पूरे देश के डॉक्टर आंदोलन कर रहे हैं। डॉक्टर, महिला के लिए वकील, शिक्षक वर्ग भी सड़कों पर उतर आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी घटना पर स्वतः संज्ञान लिया और मामले की तत्काल सुनवाई का आदेश दिया। इस देश का समाज इतना जागरूक है ये देखकर मन गदगद हो जाता है, लेकिन क्या ये सारी मंडली और संस्थाएं, प्रदेश सरकारें, राजनीतिक सुविधा देखकर जागरूक होती हैं? आपको बता दें कि संजय राउत ने आरोप लगाते हुए कहा कि जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां वहां हर जगह महिलाओं पर अत्याचार, रेप के मामले घृणित तरीके से सामने आए और उस पर बीजेपी और उसके महिला मोर्चा ने कभी भी अपना मुंह नहीं खोला। कोलकाता के रेप मामले की प्रतिक्रिया देश में उमड़े, इसके पीछे बीजेपी की मशीनरी योजनाबद्ध तरीके से काम करती है, लेकिन महाराष्ट्र के बदलापुर, उत्तर प्रदेश के हाथरस, उन्नाव जैसे मामलों पर बीजेपी और इसका नेतृत्व चुप्पी साध लेता है। राउत ने रेसलर के प्रदर्शन पर मुद्दा उठाया और कहा कि पहलवान दिनेश फोगाट, साक्षी मलिक समेत कई महिला पहलवानों ने अपने खिलाफ यौन उत्पीड़न को लेकर आवाज उठाने की कोशिश की, दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया, लेकिन मोदी और उनकी सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। मानो रेप को मोदी सरकार ने शाही मान्यता ही देती हो। राउत ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े रेपिस्ट प्रज्वल रेवन्ना के लोकसभा प्रचार के लिए पीएम मोदी कर्नाटक गए और अपने लाडले को शाबाशी दी। वहीं गुरमीत राम रहीम बाबा भाजपा के खास प्रिय हैं। रेप और हत्या के आरोपों में ये बाबा जेल में हैं और कोर्ट ने उस मामले में उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई है। पिछले 1.5 साल में ये बाबा कम से कम 17 बार पैरोल पर बाहर आ गया और उनके जन्मदिन के साथ साथ लोकसभा, पंजाब, हरियाणा चुनावों के दौरान सरकार इन बाबा पर मेहरबान हुई और वे बड़ी छुट्टी पर बाहर आते हैं। अगर कांग्रेस के राज्य में ऐसा होता तो स्मृति ईरानी छाप नेता ने सड़कों पर उतर करके हंगामा कर दिया होता। फिलहाल आसाराम बापू भी पैरोल पर है। वाराणसी एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री का स्वागत भाजपा के जो पदाधिकारी करते हैं वो आगे चलकर रेप के आरोपी बनते हैं। भाजपा के विकृत चरित्र की ऐसी कितनी कहानियां बताई जाएं, फिर भी भाजपा के महिला मंडल विरोधियों के घर की बहु बेटियों पर नजर रखते हैं। इन बहु बेटियों पर अत्याचार होने का हल्ला मचाकर सोशल मीडिया पर बदनामी मुहिम छेड़ते हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस की नेता विद्या चव्हाण की बहू का मामला भी भाजपा की महिला मंडल ने इसी तरह संभाला, लेकिन खुद भाजपा के दिए तले पसरे हुए अंधेरे का क्या? वहीं देश में हो रही लगातार महिलाओं के साथ घटनाएं मोदी सरकार पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। अब देखना होगा कि मोदी सरकार की इतनी फजीहत के बाद मोदी क्या फैसला लेते हैं, ये तो आने वाले वक्त में तय हो पाएगा। इस खबर में फिलहाल बस इतना है। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए जुड़े रहें, देखते रहें 4PM। धन्यवाद।